प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंटरेस्टिंग और दमदार डिबेट में आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर इबाह इमरान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया लाइक खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। और ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस एंड कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। एक खबर देखी जो कि मुझे सुनकर बड़ा अफसोस हुआ और मतलब मेरा दिल फट रहा था कि किस तरह किसी लड़की का रेप करके उसको मार दिया जाता है, ठीक है। और मतलब जिस सोसाइटी में खातून के साथ ज्यादती हो, वो सोसाइटी कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकती। आपने देखा है कि ईरान की लड़की को किस तरह रेप करके मार दिया गया, आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? कब तक ये खवातीन जो है वो ज्यादती सहती रहेंगी और कब तक इंसाफ? मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं क्या अल्फाज बोलूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने उस लड़की को मर्डर कर दिया। रिबाह, जब तक महिलाएं अपने इंसाफ के लिए आवाज नहीं उठाएंगी और सभी महिलाएं उस आवाज में आवाज नहीं मिलाएंगी, पुरुषों का जश्न होता रहेगा। वो जश्न मनाते रहेंगे हमें बेआबरू कर करके, कभी मसियार के नाम पर, कभी निकाह मुत्ता के नाम पर, कभी हलाला के नाम पर, कभी तीन तलाक के नाम पर, कभी चार शादियों के नाम पर, कभी लौंडिया और बांदिया बनाने के नाम पर, और कभी रोड पर बेआबरू करने के नाम पर। आज हम देखते हैं कि एक महिला जब आवाज उठाती है तो अपनी अपनी इस्लामिक राइट के लिए, अपने लीगल राइट के लिए, अपने हुकूक के लिए, तो चार महिलाएं ऐसी आती हैं जो हमें ही चुप कराने की कोशिश में लग जाती है। फिर जब उन चार महिलाओं का सच सामने आता है तो पता क्या चलता है कि वो, अच्छा, मुस्कान जो थी वो तो अलकायदा के चीफ की रखेल थी। ओ माय गॉड, फलाना जो आंटी थी जो मुझे इतना बुरा कह रही थी, डोंट क्राई। लिटरली मुझे वो न्यूज़ सुन के इतना बुरा लगा ना कि कब तक हम जो है इस तरह की चीजें सोसाइटी में देखते रहेंगे और हम आवाज नहीं उठा सकते हैं, आवाज नहीं उठा सकते। रिपरकशन सिर्फ इतना ही है कि हमें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और एक टीम बनानी पड़ेगी, एक टीम बनानी पड़ेगी और चिल्ला चिल्ला करके कहना पड़ेगा कि हम किसी के बाप की जागीर नहीं है, आप हमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये हमारी जिंदगी है और हमें अपनी शर्तों पे जीना है। आज इतने कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली से मैं आई हूं, मेरा तो किसी के सामने कुछ छुपा हुआ नहीं है। हाँ, जो फालतू की बकवास चलती है मेरे लिए कि मेरी सात शादियां हैं और फलाना है और धमाका है, वो फालतू की बकवास, वो लोग अपना व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ भी बोलते हैं, कमाने के लिए कुछ भी बोलते हैं, बट द फैक्ट इज कि मैं एक बहुत कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली से आई हूँ, जहां जिस फैमिली में जीन्स पहनना भी मतलब जैसे गुनाह माना जाता था, लेकिन मैंने एक रिफॉर्मेशन अपने पूरे खानदान में मैं लेकर के आई। एक रिबेलियस नेचर मेरा बचपन से था, एक वल्नरेबल नेचर मेरा बचपन से था, नहीं मुझे ये करना है, क्या बुराई है इसमें। और जब मुझे बचपन में ये बताया जाता था कि अच्छा वो हिंदू है उसको पहनने, तुम मत पहनो, तो तब मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती थी, ये क्या बात है भाई, जो बॉडी मेरा है वही वो इस हिंदू लड़की का भी है, वो जीन्स पहन सकती है, वो मिनीस पहन सकती है, वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन सकती है, मैं क्यों नहीं पहन सकती? मतलब वो हिंदू है तो वो अगर पहन रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मुस्लिम हूं तो मेरी इज्जत कैसे जा सकती है? वो भी तो किसी के घर की बेटी है, वो भी तो किसी की इज्जत है। तो ये जो कंजर्वेटिवनेस होती है ना, ये दिमाग में घुसाई जाती है हम मुसलमान बेटियों के अंदर बचपन से। पापा आ गए, चुप रहना है, भाई आ गया, चुप रहना है, अब्बा दादा अब्बू दादी अम्मी अगर बैठ गए हैं डाइनिंग टेबल पे तो आपने कुछ बढ़ करके मांगना नहीं है, अगर आपके रिक्वायरमेंट भी है तो आपको मांगना नहीं है। अम्मा जो होती हैं वही दोस्त बन सकती हैं, उनसे ही दिल का हाल बोला जा सकता है।
इसके अलावा फादर से कभी फ्रेंडशिप नहीं की जा सकती है, तो ये सब तो सिनेरियो था, बट भगवान राम की कृपा रही है कि मेरे फादर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो मेरे इतने अच्छे दोस्त इसलिए बन सके क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी कोई बेजा हरकत नहीं की, उन्होंने चार शादियां नहीं की, उन्होंने कभी अपनी वाइफ मतलब मेरी अम्मा के अलावा किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, अपनी तीन बेटियों को उन्होंने शिक्षित किया, बहुत कम आमदनी थी लेकिन तीनों को शिक्षित किया। मैं बहुत रेबेलियस थी, मैं बहुत वल्नरेबल टाइप की थी, बहुत कनिंग टाइप की थी, हर वक्त हर बात पे चै 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 मुझे करने की आदत थी बचपन से ही, बचपन से ही। मतलब अगर मैं चार दिन के लिए कहीं चले जाती थी तो घर घर में सबको ही कहता था, पूरी बिल्डिंग कहती थी, ऐसा लग रहा था दुआ कि कोई है ही नहीं, अभी तुम आई हो ना अब लग रहा है कि हाँ कोई है, कोई तो है इस बिल्डिंग में। तो उसको भी मेरे अब्बा ने टैकल किया और बहुत पोलाइटली टैकल किया, तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली मुस्लिम फादर अच्छे हो सकते हैं अगर वो एडुकेटेड हो, अगर वो अच्छे होना चाहे तो। मेरे मेरे अब्बा के बारे में मुझे पता है कि अगर कभी कोई शिकायत करने आता था कि दुआ ने, मेरा निकनेम जो है वो दुआ है, तो कोई शिकायत करने आता था कि अरे दुआ ने ऐसे कर दिया, उसको धक्का मार दिया, उसको पीट दिया, उसको वो कर दिया, तो मेरे अब्बा रिप्लाई दिया करते थे, मुझे पता है मार ही पीट कर सकती है, इसके अलावा वो कुछ और नहीं कर सकती है, बाप का नाक नहीं कटा सकती वो। तो ये ट्रस्ट अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों पर होना चाहिए जो मेरे पेरेंट्स ने हमारे ऊपर दिखाया। आज मेरी बड़ी बहन है वो एडवोकेट है, मेरे बारे में दुनिया को पता है, सिर्फ भारत को नहीं पूरी दुनिया को पता है। मेरी छोटी बहन है उसने MBA कंप्लीट किया है, अभी वो PhD कर रही है, बाहर जा चुकी है, इंडिया में अब है भी नहीं। तो एक माहौल हमने क्रिएट किया और वो किसकी वजह से हो पाया, वो हमारे अम्मा अब्बा की वजह से हो पाया। हालांकि मेरी दादी बहुत कंजर्वेटिव थी, मेरे दादा अब्बू बहुत कंजर्वेटिव थे, मेरे नाना अब्बू तो एक्सट्रीम कंजर्वेटिव थे, एक्सट्रीम मतलब हर एक लिमिट को क्रॉस कर वैसे कंजर्वेटिव थे। मेरी मेरी अम्मा का मुझे याद है कि जब वो मुझे ट्यूशन से लेकर के आया करती थी तो मैं स्कर्ट्स में होती थी और शर्ट में होती थी, तो वो गुस्से में खाना नहीं खाते थे अपनी बेटी के घर का, वो कहते थे पता नहीं तुमको क्या बनाना है, अपनी बेटी को मॉडल बनाना है क्या, सलवार जम्पर पहनाओ, दुपट्टे पहनाओ। और मेरी अम्मा कहती थी नहीं, जमाने के हिसाब से मेरी बेटियां पढ़ेंगी, जमाने के हिसाब से सब कुछ करेंगी, हम इनको पीछे क्यों घसीट करके लेकर जाएंगे, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो हर चीजें निर्भर करती है आपने अपने घर से क्या सीखा है, आपका सपोर्ट आपके घर से कितना ज्यादा है इस पर निर्भर करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर, और पैसे की लालसा नहीं आनी चाहिए, जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो हिजाब के समर्थन में उतरती हैं और बाद में पता चलता है कि भाई वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से पैसे उठा रही थी। बहुत सारी महिलाएं पता चलती हैं, पता चलता है कि बहुत सारे प्रदर्शन में निकली हुई है हिजाब पहन करके, उनको पता भी नहीं है कि वो किस चीज का विरोध कर रही है या किस चीज का समर्थन कर रही है, वो जानती भी नहीं है। अब आजकल तो कई मीडिया वाले हैं जो पूछ लेते हैं आप जो ये निकलेंगे क्या चीज का समर्थन कर रही है, तो वो कहती है हम पता नहीं। अच्छा आप किस चीज का विरोध कर रही है, वो कहती है हमको पता नहीं, क्योंकि वो 500 रुपए लेती है और एक डब्बा बिरयानी लेती है। तो वो मुसलमान महिलाएं जो अपनी इज्जत आबरू को, अपने हिजाब को, अपने नकाब को 500 रुपये और एक डब्बा बिरयानी में बेच रही है, उनकी क्या वजूद है, उनकी क्या औकात है। हम जैसी शिक्षित महिलाएं जब आवाज निकालते हैं मुंह से तो देश और दुनिया सुनता है, देश और दुनिया सुनता है। तो हमें बहुत एक्टिव होने की जरूरत है, और जैसे जैसे हम जैसी शिक्षित बेटियां सामने आएंगी, वोकल होंगी, प्रखर होंगी, वैसे वैसे जो एट्रोसिटी है, जो ह्यूमिलिएशन है, जो इंसल्ट है, जो हमारी लिबर्टी, हमारी प्रॉपर्टी को जो डेवेस्टेट करने का जो एक कायदा कानून इस्लाम में चला आ रहा है, वो सबको खत्म किया जाएगा। अच्छा मैम, ये तो चले हो गया, हमें ख्वातीन के राइट्स के लिए आवाज उठानी चाहिए, खास तौर पे जो अफगानिस्तान में हो रहा है, जो ईरान में हो रहा है, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि पाकिस्तान में भी एक तबका जो है यानी कि ख्वातीन का वो सफर कर रहा है, और बांग्लादेश की बात होगी, इस मतलब जहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है, वहाँ पर ख्वातीन को चाहिए कि आवाज़ उठाए अपने हकूक के लिए, और लोगों लोग जो उनको चुप करवा देते हैं, अब चुप नहीं करना है बल्कि अपने हकूक के लिए आवाज़ उठानी है।
अपने बेसिक राइट्स के लिए आवाज उठानी है, अपनी फ्रीडम के लिए आवाज उठानी है। और मैम, मुसलमान बेटियों को मैं बीच में इंटरप्ट करूंगी करूंगी कि मुसलमान बेटियां अगर वाकई में अल कुरान पढ़ी तो उनको ये समझने की जरूरत है कि जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पहली बीवी बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो बिजनेस चलाया करती थी, बिजनेस वुमेन थी, निकाह के बाद भी प्रॉफिट मोहम्मद ने उनका बिजनेस रुकवाया नहीं, वो कारोबार करती थी। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद नहीं रुकवाए अपनी अपनी बीवी को, तो फिर ये कौन है? Who the hell are they? ये कौन है हमें मना करने वाले? जब प्रॉफिट मोहम्मद अपनी बीवी को बिजनेस करने से नहीं रोक सके, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो अल कुरान जिस बात का गवाह है, तो इनकी क्या औकात है? बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। और दिवाली कैसे सेलिब्रेट की, लास्ट क्वेश्चन आपसे। दिवाली तो मैंने इस बार, आई एम वेरी लकी कि इस बार मैंने जयपुर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बंगाल, चार स्टेट में मैंने दिवाली सेलिब्रेट की है। पर थोड़ी सी एक मायूसी रह गई थी क्योंकि बांग्लादेश का जो कंटिन्यूसली मेरी बातचीत हो रही थी और मैं सुन रही थी, तो उससे मुझे बहुत दिल में एक अजीब सी तकलीफ हो रही थी कि हम यहाँ पर मिठाइयाँ बांट रहे हैं, दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं और वहाँ पर लोगों की मृत्यु हो रही है, लोगों को, हिंदुओं को जलाया जा रहा है, प्रतिमा तोड़ी जा रही है, तो वो एक कसक जो रह जाती है, वो जो एक उदासी रह जाती है, वो दिख रहा था। और लोग टोक रहे थे, हम सब एक दूसरे को टोक रहे थे और सब एक दूसरों की आंखों में पढ़ने की कोशिश में लगे हुए थे कि हाँ एक्चुअली में बांग्लादेश और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए भी हमें बहुत फिक्र लगी रहती है क्योंकि अब बेचारे 1% बचे हैं और इतने मजबूर और इतने असहाय हैं कि उनके वो अपने फेस्टिवल्स को भी सही से नहीं मना पाते हैं, जिस जोश से मनाते हैं उस जोश से वो नहीं मना पाते हैं। इस बार पाकिस्तान में भी थोड़ी बहुत जहाँ पर बिल्कुल नहीं कुछ होता था, इन बेचारों के लिए भी कुछ इस तरह की, यानी कि दिवाली जो है वो सेलिब्रेट की गई। मरियम नवाज़ ने 1400 फैमिलीज हिंदुओं को 15,000 रुपए गिफ्ट भी दिए, तो ये एक अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव रखा है। लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारा काम होना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो उस पर मतलब हमें काम करने की ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। व्यूवर्स अपनी राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाजत। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और रिबाह इमरान और नाजिया अलाई खान जी के बीच में पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।